के बाद एक सामने आ रहे शेल्टर होम की शर्मनाक सच की ही कर रहे हैं। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर और यूपी के देवरिया में शेल्टर होम रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, देश भर में लेफ्ट राइट और सेंटर सब जगहों पर रेप हो रहा है। मुजफ्फरपुर देवरिया शेल्टर होम रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। बिहार सरकार और यूपी सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला दिया, कहा लेफ्ट राइट और सेंटर हर जगह हो रहे हैं रेप। बिहार के मुजफ्फरपुर और यूपी के देवरिया में शेल्टर होम रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर केस पर संज्ञान लेते हुए मंगलवार को बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान देवरिया शेल्टर होम की लड़कियों के साथ हुए रेप का भी जिक्र हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में ये क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट और सेंटर सब जगह रेप हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हवाला देते हुए कहा कि हर 6 घंटे में एक लड़की का रेप हो रहा है। देश भर में साल में 38,000 से ज्यादा रेप किए जा रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा रेप मध्य प्रदेश में हो रही है, जिसके बाद दूसरा नंबर यूपी का है। सुप्रीम कोर्ट ने देश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, राज्य सरकार 2004 से तमाम शेल्टर होम्स को पैसा दे रही है, लेकिन उनको पता नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने कभी यहाँ निरीक्षण करने की जरूरत नहीं समझी। ऐसा लगता है कि ये गतिविधियाँ राज्य प्रायोजित हैं। ये सोचने का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुजफ्फरपुर वाला एनजीओ अकेला नहीं है जहाँ इस तरह के आरोप सामने आए हैं। एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार के फंड से चल रही ऐसी 15 संस्थाओं का जिक्र किया जो जांच के दायरे में आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार शेल्टर होम रेप केस में अपर्णा भट्ट को एमिक्स क्यूरी नियुक्त कर रखा है। एमिक्स ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि पीड़ित लड़कियों की काउंसलिंग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी अधिकारियों ने जाँच देर से शुरू की। एमिक्स क्यूरी ने बताया कि अभी तक किसी को मुआवजा नहीं मिला है, एक लड़की अभी भी लापता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जांच कर रहे अधिकारियों से पूछा कि वो क्या जांच कर रही हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। इधर दिल्ली में महिला अधिकार सम्मेलन के दरमियान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश भर में बच्चियों के साथ हो रहे यौन शोषण के मामले पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बेटियों को बीजेपी विधायकों से बचाने की जरूरत है। बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह के बाद यूपी के देवरिया में भी शेल्टर होम में यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली में महिला अधिकार सम्मेलन में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने महिला अधिकारों की सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठाए। साथ ही राहुल ने कहा कि पीएम रेप की घटनाओं पर कुछ नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का रेप होता है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। झारखंड में, अलग अलग प्रदेशों में महिलाओं पर रेप होता है, प्रधानमंत्री सब चीज के बारे में बोल सकते हैं। बुलेट ट्रेन के बारे में बोलेंगे, हवाई जहाज के बारे में बोलेंगे, टॉयलेट के बारे में बोलेंगे, मगर महिलाओं के बारे में नहीं बोलेंगे। बीते 4 साल में महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की महिला सेफ और सिक्योर क्यों नहीं है? हिंदुस्तान को बदलने की बात की थी, 70 साल की बात की थी, बिल्कुल सही कहा था। जो इन्होंने 4 साल में किया, महिलाओं के खिलाफ जो इन्होंने 4 साल में किया, 70 साल छोड़ो, 3,000 साल में नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी विधायकों से बेटी बचाओ। उत्तर प्रदेश में उनका एमएलए रेप अक्यूज होता है और बीजेपी के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। महिला अधिकार सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा है कि केवल पुरुष देश को चलाएंगे और जहां किसी महिला से जुड़े होने की बात होगी ये दल पीछे हट जाते हैं। चाहे कितनी बार भी हम यहां कह दें कि आरएसएस में महिलाएं नहीं है, आप देखना आरएसएस के अंदर
एक भी महिला नहीं घुस सकती है, क्योंकि जिस दिन आरएसएस के अंदर एक महिला घुस गई उस दिन आरएसएस आरएसएस नहीं होगा। तो ये हमारी लड़ाई है। बिहार के मुजफ्फरपुर और यूपी के देवरिया में बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां अपने रुख देखने में लगी हुई हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।